मस्जिद में हो रहा है कुछ बात, खुले में सिर्फ 2 या 3 मिनट है लैपटॉप पे एडिटिंग, स्पेस बनाया था पेस्ट अच्छी तरह। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रमजान स्पेशल व्लॉग। आप सब लोगों की डिमांड पर मैंने फाइनली, आज फर्स्ट जुमा है, फर्स्ट जुमे की फर्स्ट सहरी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग शूट किया जाए। तो अभी अभी मैं बैठी हूँ तहज्जुद की नमाज पढ़ के, टाइम दिखाती हूँ आपको। बजे नहीं है अभी, 3:25 हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहज्जुद की नमाज हो गई। मैं थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ लूँ, 4 बजे उठकर रोटी बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। आ चुकी हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर सारा सामान निकाल लिया है और तवा भी रख दिया है, गैस भी ऑन कर दिया है, फटाफट से गैस जल रहा है हमारा और अब मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटी। और मस्जिद में सायरन भी हो चुका है कि 1 घंटा रह गया है सहरी का, अब जल्दी से सहरी कर लो। भाई लेकर आए थे रात के टाइम, में सो गई थी 12-1 बजे करीब, तरावी पढ़कर आए थे ना, तो बिरयानी लेकर आ गए थे वो मेरे लिए इस पैकेट में, तो मैंने वो गरम कर ली है। और यहाँ पर मैंने बनाया था रात में अफगानी चिकन, इसकी रेसिपी मैं डाल दूंगी इस वीडियो के ही क्लिप में बीच में, तो वो जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा यम्मी और बहुत टेस्टी बनाई। आप देख सकते हो कि कितना सही बचा है, पूरा खत्म हो चुका है, सबने इतना टेस्टी बताया है, बहुत ज्यादा। तो फुल वॉच करना वीडियो से, सीखो कुछ और बनाओ और खाओ यमी यमी टेस्टी वाला। ठीक है चलो मैं भी सहरी करती हूँ, कभी सहरी का टाइम निकल जाए। मैंने तो निकाल लिया अपने लिए बिरयानी, फटाफट से मैं खाती हूँ। भाइयों को पता नहीं जब उठेंगे जब खाएंगे, अभी तो उन्होंने ब्रश ब्रिंग किया, भाई ने उठ तो गए, हाँ उठ गए। किसकी इसकी फेवरेट है चिकन बिरयानी, नीचे कॉमेंट में बताना। और हाँ आपने सहरी में क्या खाया वो भी बताना, ठीक है। मैं तो बिरयानी खा रही हूँ, नमाज़ पढ़ ली है फजर की अभी अभी और कुरान शरीफ भी पढ़ लिया, इतनी देर में देखो ज़रा मॉर्निंग हो गई, मॉर्निंग और अम्मी भी हमारी उठ गई है, ये देख सकते हैं। और भाई देखो अभी तक जाग रहे हैं, भाई जाग रहे हैं, साकिब भाई सो चुके हैं। चलो भाई सो जाओ आप, हैं भाई सो जाओ, देख लिया मैंने, हंस के आसी है ये देखो चलो जल्दी फटाफट सो जाओ। चलो भाई ये फोन कैसे चल रहा है यहाँ पे, तो नहीं चलेगा फिर कहाँ चलेगा। अच्छा जा रही हूँ सोने के लिए, बहुत तेज नींद आ रही है, आपसे मिलती हूँ जोर। आज मैं बनाने जा रही हूँ अफगानी चिकन, आ चुकी हूँ और आती मैंने आधा काम भी कर लिया है। और देखो पीप पीप की आवाज आती है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है लिटरली। तो मैंने यहाँ पर सारा सामान निकाल लिया है, प्याज व्याज सब कुछ कटन ले लेना है आपको। और मैंने मिक्सर जार ले लिया है, कसूरी मेथी तेज पत्ता ये बाद में मसालों के साथ काम आएगा, दही क्रीम सब कुछ ले लिया है। पहले हम बेसिक मसाले जो हमें ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करने हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 से 6 काजू लिए हैं, हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है, 4-5 हरी मिर्चें ली है जिसको मैंने बीच से तोड़ दिया है, और ये मैंने 2 बड़ी प्याज ली है जिसको मैंने मोटा मोटा स्लाइस में कट कर लिया है, देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फटाफट से हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंडर में डाल दिया हमने, और यहाँ से दही ऐड करेंगे, अमूल की फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, देख सकते हैं टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर देख सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें बिकॉज इसी का ही टेस्ट होता है। कसूरी मेथी क्या करना है, हाथों से रगड़ना है, इसमें जाती जा रही है इस तरह से करना है इसको, ठीक है। ऐसे करके आप डालेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा यम्मी वाला टेस्ट आएगा। मैं जो हमने टेस्ट पेस्ट बनाया था, टेस्ट पेस्ट जो हमने बनाया था, पेस्ट था वो कुछ इस तरीके का टेक्सचर है, एंड आराम से इसके अंदर डाल देंगे। मिक्स करना है सारे मसालों को, मिक्सचर बना लिया है, चिकन को कुछ नहीं करना, चिकन जब आप लाओ तो कट लगवा कर लाना मार्केट से, या फिर आप खुद भी कट लगा सकते हो, तो मैंने तो मार्केट से ही कट लगवाया है। तो फटाफट से पीसेस को उठाना है और इसके अंदर डिप कर देना है। पहले चिकन को अच्छे से वॉश कर लेना आप, ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी वॉश करके रखा हुआ है। अपने साफ हाथों से अच्छे से मिला देना है ताकि चिकन की बोटी बोटी में ये पहुंच जाए, हमारा जितना भी क्रीमी था टेक्सचर ही। 10 मिनट्स हो चुके हैं हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए, इतनी देर में मैंने चाय बनाकर पी भी ली और मैं दिखाना भूल गई आपको, ये देखो ये रहा मेरा कप, ये पी ली मैंने कॉफ़ी, पी है कॉफ़ी बना के। तो फटाफट से आप देख लेते हैं अपना चिकन, सोया अच्छे से मैरिनेट हो गया, तो मैंने फ्राई पैन रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना आपको ऑयल। और अब 1 by 1 pieces करके, जैसे ये है इसका पीस, ठीक है, इसमें से इसको पूरा निचोड़ लेंगे और इसको बिस्मिल्लाह करके
ऐसे डालेंगे, सीटें उड़ेंगी, थोड़ा ध्यान रखो। चिकन है वो अच्छे से हो रहा है, सिक रहा है, फ्राई हो रहा है, एक तरफ से अच्छे से सिक जाए उसके बाद ही आपको पलटना है। फ्रंट इस तरीके का कलर आ जाएगा तो फिर आपको इसे निकाल लेना। हाई रख दिया, उसके अंदर ऑयल डाल दिया। इस मसाले को अच्छे से पकने देंगे। मसाला भुनने की पहचान ये है, देख सकते हैं ऑयल आ चुका है साइडों में। जैसे ही ये ऑयल आ जाए, चिकन जितना भी है वो सारा डाल देना है विद ऑयल, अच्छी तरह से मिक्स एंड मैच कर देना है। हो चुका है हमारा अफगानी चिकन एकदम रेडी, यमी वाला, टेस्टी वाला। तो चलिए फटाफट आपको भी दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके है और ऑयल भी दिख रहा होगा आपको साइड में, माशाल्लाह। किस बात का वेट, बनाओ खाओ। अभी जो है मेरे बाल जो है गीले हो रहे हैं क्योंकि अभी मैं जस्ट फ्रेश होकर आई हूँ। ये है आज का मेरा आउटफिट जो कि मैंने खुद ही स्टिच करा था रमजान के पहले जुमे के लिए। आप सभी को मेरे जुमा पहला जुमा मुबारक हो। और ये दुपट्टा अम्मी देकर जा रही है मुझे, ये ग्रीन दुपट्टा है अम्मी जी। तो क्या हुआ, अच्छा ये आपके सूट का दुपट्टा है, मेरा नहीं है, ये लो। नहीं ये नमाज का है तो मेरे पास, ये भी तो नया है, ये न्यू दुपट्टा है। तो इसके अंदर ये मिक्स एंड मैच हो गया क्योंकि इसका दुपट्टा नहीं था, ये मैंने खुद ही स्टिच करा था। तो इसीलिए मस्जिद में हो रहा है खुतबा क्योंकि आज जुमा है। आपको दिल से मुबारक पहला जुमा, अपनी दुआओं में जरूर शामिल करिएगा, जरूर याद रखिएगा दिल से। मैं भी जा रही हूँ नमाज पढ़ने और आप सभी लोगों को दुआ में जरूर याद रखूंगी। मिलती हूँ आपको मैं नमाज के बाद। फाइनली कुरान शरीफ की तिलावत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पूरे 8 सिपारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से किचन में क्योंकि फिर असर की अजान भी होने वाली है और टाइम तो आप देख ही सकते हैं, 5:05 है तो फिर नमाज भी पढ़नी होगी। इससे पहले मैं इफ्तारी बना लेती हूँ, फिर और भी बहुत सारे काम है, वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगी और दिखाऊंगी अपना पूरा रमजान व्लॉग। आप लोगों की डिमांड पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। मैं बना रही हूँ इफ्तारी तो फटाफट से, मेरा ही काम है रोजाना अफ्तियारी बनाने का। कहते नहीं है जिसका काम पसंद आ जाता है घर में सबको उसे करना ही पड़ता है, और मेरी तो कोई बहन भी नहीं है जो साथ में मतलब मिलके कर लेते हैं कि एक बहन अफ्तियारी बना रही है, दूसरी बहन पकौड़ी बना रही है, अब मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। अब अफ्तियारी बना के फिर मैं पकौड़े बनाने जाऊंगी, और आज कुछ स्पेशल डिश भी बना रही हूँ मैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं अफ्तियारी बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ पटेटो चीज़ी लॉलीपॉप, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी बिकॉज क्योंकि मैंने चिकन अफगानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करी। अगर आपको ये सीखना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग जब मैं बनाऊंगी रमजान का तो मैं आपको पटेटो चीज लॉलीपॉप बनाना सिखा दूंगी। घंटे में सब कुछ कम्प्लीट करना है तो जल्दी जल्दी करते हैं। फ्रेंड्स अफ्तार खुलने में सिर्फ 2 या 3 मिनट है और मैंने पूरा दस्तरखान रेडी कर दिया है, देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सिनेमैटिक एंजॉय करें और आज तीसरा रोजा भी खुल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कीजिए आप भी और मैं भी जल्दी से। ये नूर नूर सहर बरकतों भरे इफ्तार, ये मन सल्लैत बि कुल्लिल अंबिया, ये मन फी क ये बोले पोटैटो बोल बढ़िया। लौंग भी खा के देखो तो। So friends, अफ्तार हो चुका है और अब आ रही है जूस पीने की। सभी लोग एक साथ जूस उठाते हुए, पापा भी, मम्मी भी और मैं भी। सुकून इतना मिलता है सीरियसली जूस पीकर, पूरे दिन कुछ नहीं पीना और उसके बाद फिर कुछ मिल जाए तो यार अमानत है अमानत। सारा काम हो गया, बर्तन रखे हुए थे किचन में जो अफ्तार के बाद का जो काम होता है, जो बर्तन होते हैं अफ्तार के बाद के, तो वो सारे वॉश करके अभी जस्ट आई हूँ। और ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका सभी का घर का रूटीन यही होता है कि अफ्तार के बाद नमाज पढ़ के मगरिब की बर्तन धोना। सीरियसली वो बहुत ज्यादा लेजी काम लगता है और बहुत सारे बर्तन होते हैं। सीरियसली अभी धोकर आ रही हूँ किचन में से, देख सकते हैं सब गीला हो रहा है, मेरी आस्तीन भी गीली हो गई और मैंने अपने लिए चाय भी बना ली गर्मा गर्म, और मैंने लैपटॉप भी निकाल लिया है बिकॉज अब मैं करूंगी अपने लैपटॉप पे एडिटिंग ताकि जल्द से जल्द आपको ये ब्लॉग देखने के लिए मिल जाए। बस आपको क्या करना है, आप इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और रेसिपी जो मैंने बताई है उसको भी जरूर ट्राई करना है। बहुत ज्यादा यमी टेस्टी दिल्ली 6 वाला आपको चिकन अफगानी खाने के लिए मिलेगा घर के अंदर, वो भी बेसिक
इंग्रेडिएंट्स से, जो भी आपके घर में बेसिक मसाले हैं सिर्फ उनसे आप ट्राई करें, खाएं और एंजॉय करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है ना? करोगे ना तभी मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी रमज़ानों का, ठीक है? ज़रूर कर देना। चलो दुआओं में ज़रूर याद रखना, ब्लॉग बनाने में अगर मुझसे जो भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।